अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑडरी सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बुक जो है वो कंप्लीट कोर्स को कवर करती है, तो एक ही बुक में पूरा कोर्स कवर हो जाता है। अगर आप पूरी कोर्स की वीडियोस देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स आपको समझ में आ चुका होगा। एक्सरसाइज 16.2 एलजेब्रा में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। जब हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशंस देखी थी, उन एक्सप्रेशंस को समझाते वक्त चैप्टर 14 में, एक्सप्रेशन को समझाते वक्त मैंने कहा था कि हम जो फैक्टराइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमें अगर इक्वल्स टू जीरो कर देंगे इक्वेशन को, यानी एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वल्स टू जीरो करने की सूरत में आसान होगा हमें इसका सोल्यूशन निकालना। चूँकि फैक्टराइज करना आपको आता है, तो यहाँ से आगे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम इसको किस तरह से तोड़ेंगे, ये आपको याद है, 4 प्लस 1 और 3 प्लस 2, तो आपको पता है 3 प्लस 2, 3 2 6 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट टाइम एक्सप्रेशन थी तो इसमें इक्वल्स टू 0 नहीं था। फिर यहाँ पे हम एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जब दो नंबर्स, दो एक्सप्रेशंस, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका आंसर 0 आ रहा होगा, तो दोनों में से एक या दोनों, दोनों में से एक या दोनों 0 के बराबर होंगी ही होंगी, अदरवाइज आंसर 0 नहीं आ सकता। तो इस आसानी की वजह से हम ये सवाल आगे कैरी करते हैं। ये ख़ास तरह के सवाल होते हैं जिसमें एक साइड पे 0 करके हम इस आसानी को इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ फैक्टराइज करके। सो वी कैन से एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखना है इसको लाइन साइड बाई साइड। फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। और आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, जो मैंने उस वक्त भी समझाया था कि एक वाई की वैल्यू अगर वाई इज इक्वल टू 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स कुड बी माइनस 2 और एक्स कुड बी माइनस 3, और इस तरह के मुख्तलिफ आंसर जो है वो आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ग्राफ प्लॉट करके बताया था कि यहाँ पे एक्स दो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि वाई की वही एक वैल्यू है, इट कुड बी 2 और 6। सो बिल्कुल ही तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चूंकि ग्राफ ऐसे बनता है, तो एक ही वाई एक्स को दो दफ़ा टच करता है, एक ही वाई दो मुख्तलिफ एक्सेस को टच कर रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, अब आपको सारे सवाल ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि लॉजिक आपको समझ में आ चुकी है, फैक्टराइज करना आपको आता है। तो हम डायरेक्टली सवालों पे कूद पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये करने सारे फैक्टराइज करके, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में हम समझाएंगे कि फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं थी, एक और तरीका भी है वो जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो एक्स की पावर 2 और आंसर चाहिए हमें 1, तो प्लस 2x - x - 2 इज इक्वल टू 0। और इसमें हमने एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस 2 - 1 कॉमन निकाला, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 5। अब 5 × 5 है और -5 - 1 कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x - x + 5 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज तो आपको करना आता ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर दूं, -1 x - 5 = 0, x - 1 x - 5 = 0, x - 1 = 0 और x - 5 = 0, x = 1
और एक्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यस, क्वेश्चन नंबर 4। 2x² माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस एक्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले मैं इन सब के ना फैक्टर्स का वो निकाल लेता हूँ कॉम्बिनेशन, फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा जी, मैंने क्या किया, फटाफट जितने ही फैक्टर्स बनने थे ना वो निकाल लिए हैं, ताकि कि हमें सवाल करने में टाइम ना लगे। और जैसे एक्स के फैक्टर्स होने हैं 2x², तो ये -2x + x - 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि -2x + x - x होता है, और -2x और x मल्टीप्लाई होके -2x² बनाते हैं, जो कि हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है इजीली। तो चूंकि आपने एक्सरसाइज 14 देखी भी है, तभी मैं आपको ये ज़रा क्विकली करवा रहा हूँ। तो ये 2x कॉमन निकाला, x -1 बचा, -+1 कॉमन निकाला, x - 1 बचा = 0। और वही सब कुछ 2x + 1 x - 1 = 0, 2x + 1 = 0, और x - 1 = 0, 2x = -1, x = 1, x = -1/2, x = 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर हमें दो नंबर ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए बीच में जो इनविजिबल हैं, क्योंकि बीच में 0x है। ये इक्वेशन असल में अगर देखी जाए तो ये बनेगी x² + 0x - 1 = 0। अब वो क्या नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो खाली x² आ जाए, -x², और ऐड हो तो आपस में 0 आ जाए, तो -x + x। आमतौर पे जब बीच में कोई टर्म नहीं होती, यानी 0x होता है, तो जो दो फैक्टर्स बनते हैं वो सेम होंगे, -x + x, -2x + 2x, -5x + 5x, इस तरह से बनेंगे। आप देखिएगा, आगे भी आएगी एग्जाम्पल। क्योंकि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये -x + x मल्टीप्लाई होकर -x² बन जाएंगे और ऐड होकर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है क्या, x² - x + x - 1 = 0, एक्स कॉमन निकला x - 1, यहाँ पे +1 कॉमन निकाला, x - 1 = 0, तो x + 1 = 0, और x - 1 = 0, x = -1, x = +1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। -5 - 2, अब चूँकि अगेन 14 एक्सरसाइज आप कम्प्लीटली कर चुके हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 2x² - 5x - 2x + 5 = 0, क्योंकि सम हमें माइनस माइनस मतलब 5, तो 10x² चाहिए था, जो कि प्लस में चाहिए था, तो माइनस माइनस होगा तभी प्लस में आएगा। हमने कॉमन निकाला एक्स, तो 2x - 5 बचा, फिर यहाँ से हमने निकाला -1, तो 2x - 5 बचा = 0, x - 1 और 2x - 5 = 0, x = 1 होगा, या फिर 2x = 5 होगा, यानी x = 5/2, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है हमने, 6 कर लिया। नेक्स्ट करते हैं जी 7। -4 + 3 में ये कर लीजिएगा, अब इसमें कुछ खास नहीं है। 8 को आप डिवाइड कर दें तो -6 - 2 में फैक्टराइज कर दें, 6 + 2, -6 - 2 - 8 होता है, और 6 × 2 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 चाहिए, प्लस में चाहिए तो -± + हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये वाला काम था कि 4x² + 0x - 9 = 0। अब 0x चाहिए, लेकिन 9 × 4 = 36 चाहिए, तो सेम नंबर आएगा इसमें, सो 6 × 6 = 36 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ -6 + 6 ऐसे ही आएगा। ये ऐसा एक सवाल यहाँ भी है, ये देखिए 16 × 4 = 64 है, तो 8 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -8 + 8।
ठीक है, तो अब इन सवालों में कुछ बचा नहीं। अगर मैंने ये फैक्टराइज भी करके आपको दे दिया तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आपको आंसर निकालने हैं, हर दफ़ा दो दो आंसर निकलेंगे। तो सारे ही फैक्टर्स मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं, आप एक दफ़ा इनको नोट कर लीजिए और इसके बाद जो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं 16.2, और ये आप कंप्लीट कीजिए ताकि फिर हम एक्सरसाइज 16.3 शुरू करें। आखिरी सवाल मैं बरकत के तौर पे करवा देता हूँ, तो 6x² - 16x - 6x + 16 = 0। तो 16 6 96 था, अब मैं 22 को तलाश करने जा ही रहा था कि मुझे देखने में भी नज़र आ गया कि 16 + 6 भी तो 22 होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद ही जवाब खुद ही फैक्टर्स बन गए थे। तो यहाँ पे 2 को आप ले लें, 2x को, तो 3x - 8, फिर -2 ले लें तो 3x - 8, तो 2x - 2 या 3x - 8 = 0, तो आइदर 2x - 2 = 0 और 3x - 8 = 0, 2x = 2, 3x = 8, x = 2/2 यानी 1, x = 8/3, दोनों में दोनों आंसर एक्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, इतना क्विकली ही होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, तो इनको आप कंप्लीट करें शाबाश जल्दी से। फिर हम जब तक 16.3 स्टार्ट करते हैं तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।